नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। चमोली के नारायण बगड़ में फटा बादल, 55 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। चमोली जिले के नारायण बगड़ में आज सुबह बादल फट गया। सुबह 5:30 बजे बादल फटने से इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। 55 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। शेरवुड स्कूल के 6 छात्र सड़क हादसे में घायल, चंपावत SP पिंचा ने पहुंचाया अस्पताल। नैनीताल के शेरवुड स्कूल के 6 छात्र सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी छात्र दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लोग नैनीताल से दिल्ली जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में बाजपुर के पास वे सड़क हादसे का शिकार हो गए। गनीमत रही कि उस दौरान चंपावत के SP देवेंद्र पिंचा उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने खुद घायलों को अस्पताल पहुँचाया। मानदेय की मांग को लेकर सरकारी राशन विक्रेताओं ने किया CM आवास कूच। उत्तराखंड में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रय मानदेय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। आज भी उन्होंने CM आवास कूच किया। उनका कहना है कि सभी पर्वतीय क्षेत्र के 9 जिलों के 7126 राशन विक्रेताओं के परिवारों के भरण पोषण के लिए मानदेय दिया जाए। हरिद्वार में गणेश विसर्जन करने गई महिला गंगा में गिरी, ऐसे बची जान। गणपति विसर्जन के दौरान रविवार रात को हरिद्वार में गंगा घाट पर एक हादसा होने से बच गया। गणपति विसर्जन के दौरान घाट पर अचानक एक महिला का पैर फिसल गया। महिला सीधे गंगा में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने के कारण महिला को संभालने का मौका भी नहीं मिला, वो गंगा में डूबने लगी। तभी मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए गंगा में छलांग लगा दी। बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया गया। उत्तरकाशी से दुखद खबर, प्रसव के बाद किया डॉक्टर ने ऑपरेशन, 22 साल की महिला की मौत। पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है, आए दिन पहाड़ों से दुखद खबरें आती है। कभी सड़कें ना होने के कारण डोली में बैठाकर गर्भवती और बीमारों को सड़क तक एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है, तो कभी सुविधा के अभाव के कारण कई मरीज दम तोड़ देते हैं। पहाड़ों में स्थिति सुधर नहीं रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है। उत्तरकाशी में हालात बुरे हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल में रविवार देर रात प्रसव के बाद किए गए ऑपरेशन के बाद एक 22 साल की महिला की मौत हो गई। मौत के बाद मृतका के घर परिवार वाले रिश्तेदार समेत ग्रामीणों ने अस्पताल में घेराव किया और हंगामा किया। परिजनों और गाँव वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी और बड़कोट पुलिस को बड़ी कामयाबी, करोड़ों की ठगी करने वालों को दिल्ली से दबोचा, SP ने दिया तोहफा। क्रिप्टोकरेंसी एवं फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से निवेश एवं जमीन दिलाने के नाम पर मुनाफा कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 जालसाजों को उत्तरकाशी और बड़कोट पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में असफलता हासिल की है। उनके कई साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को SP ने नगद इनाम देने की घोषणा की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी कंपनी हॉलीडे हर्ट्स में पैसे निवेश करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं, जिसको उत्तरकाशी और बड़कोट पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में तिरंगे का अपमान, प्रशासन से शिकायत, देखिए तस्वीरें। हल्द्वानी में बीते दिन रविवार को हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज सिटी मजिस्ट्रेट से तिरंगे के अपमान की शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट रचा सिंह ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। चार धाम यात्रा शुरू, बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री बैन। हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद 18 सितंबर से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आने का सिलसिला जारी हो गया है। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अब उत्तराखंड के बॉर्डर पर यात्रियों की जांच एक बार फिर से सख्ती से शुरू की गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को शर्तों का पालन करने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना का कहर उत्तराखंड में कम हो गया है। बीते दिन सिर्फ 6 मामले सामने आए और ये बढ़े ना, इसलिए अब बॉर्डरों पर फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तराखंड की सुरक्षा को देखते हुए एक बार फिर से अब बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी गई है और टीकाकरण भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी बोनी कपूर की फिल्म की शूटिंग, जाह्नवी आएंगी नजर। शूटिंग के लिए उत्तराखंड बॉलीवुड की पहली पसंद मनता जा रहा है। आए दिन यहाँ निर्माता निर्देशक यहाँ लोकेशन देखने आ रहे हैं और शूटिंग भी कर रहे हैं। बता दें कि जल्द ही बोनी कपूर यहाँ की शूटिंग करने आ रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी अभिनय करती नजर आएंगी। ये शूटिंग उत्तराखंड के कई लोकेशंस में होगी। आपको बता दें कि पापा बोनी कपूर के बैनर तले बन रही फिल्म मिली में पहली बार अभिनेत्री जाह्नवी कपूर काम करती नजर आएंगी। 30 सितंबर से उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। फिल्म देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में शूट होगी। 30 सितंबर से हरिद्वार में 2 दिन की शूटिंग होगी, इसके बाद देहरादून और ऋषिकेश में फिल्म की शूटिंग की जाएगी। उत्तराखंड पहुंचे राकेश टिकैत, कहा सरकार को झूठ बोलने में गोल्ड मेडल प्राप्त।
भारतीय किसान यूनियन की कार्यालय का उद्घाटन करने आज राकेश टिकैत उधम सिंह नगर के मझौला पहुंचे, जहां किसानों की भारी भीड़ जमा रही। किसानों ने राकेश टिकैत के नारे लगाए। इस मौके पर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को झूठ बोलने में गोल्ड मेडल प्राप्त है। राकेश टिकैत ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बंद पड़ी मझौला शुगर मिल शुरू कराएंगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार देर शाम 5:30 बजे नगर पंचायत मझौला पहुंचे। उनके आने से पहले ही यहां पर बड़ी संख्या में किसान एकत्र हो गए। मझौला पैलेस में किसान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंद शुगर मिल चालू होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसे व्यापारियों दैनिककारों को भी गति मिलेगी और साथ ही किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा। आंगन में खेल रही 8 साल की बच्ची को उठा ले गया गुलदार, शव बरामद। जिला मुख्यालय से सटे बजेटी क्षेत्र में गुलदार ने एक 8 साल की बच्ची को निवाला बनाया है। रविवार रात 9:30 बजे गुलदार ने 8 साल की बच्ची को आंगन से उठा लिया। आज सुबह बच्ची का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सीएम धामी ने योजनाओं को लेकर लाभार्थियों को ऋण सुविधा हेतु कैंप लगाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नवम वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। हरिद्वार में कारोबारी से लूट का खुलासा, यूपी के 4 बदमाश गिरफ्तार। जनपद हरिद्वार के सिड़कुल थाना क्षेत्र में 15 सितंबर की रात हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हरिद्वार पुलिस ने लूटकांड को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश यूपी के रहने वाले हैं। हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सिड़कुल लूटकांड का खुलासा किया। टेहरी झील पहुंचे सुरों के सरताज पवनदीप, अरुणिता संगलिया बोटिंग का लुफ्त। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन ने टेहरी झील में बोटिंग का लुफ्त उठाया। पवनदीप अपनी साथी गायिका अरुणिता के साथ टिहरी झील पहुंचे। अरुणिता कांजीलाल के साथ उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया। पवनदीप इंडियन आइडल 12 के विजेता हैं। अरुणिता प्रतियोगिता की उपविजेता रही हैं। टिहरी की घनसाली में मोड़ से नीचे गिरी कार, 5 लोग घायल। जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घुत्तू गंगी मोटर मार्ग पर एक ऑल्टो कार दुर्घटना का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि कार संख्या UK 07DJ 3625 सड़क से अनियंत्रित होकर ऊपर मोड़ से नीचे रोड पर गिरने से कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 महिला और 1 व्यक्ति शामिल है। हरिद्वार में कोतवाली से चंद कदम दूर बैंक में घुसे बदमाश, उड़ा ले गए सीसीटीवी का DVR। उत्तराखंड में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। चोर अब पुलिस की नाक के नीचे से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार जिले का है। यहां ज्वालापुर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेंधमारी की। हालांकि चोर बैंक से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाए। धान खरीद को लेकर खाद्य विभाग की तैयारियां तेज, 30 सितंबर से पहले होगा पंजीकरण। सोमवार को प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बंशीधर भगत ने धान खरीद को लेकर विभागीय तैयारियों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 1 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू, 650 जवान शामिल। भारत और नेपाल के बीच आज से पिथौरागढ़ में सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इस सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है। इसका मकसद आतंकवाद से निपटना और आपदा में काम करना है। दोनों देशों के 650 जवान सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बस में छीना था बेताल घाट की महिला का मंगलसूत्र, हल्द्वानी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोडवेज स्टेशन पर रोडवेज बस में सवार महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नगीना के रहने वाला अजय गिरी उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया है। प्रिंस इन दिनों हल्द्वानी में किराए पर आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अल्मोड़ा में ऑडिशन के खिलाफ लोक कलाकारों का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों से ऑडिशन कराए जाने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के कलाकार ऑडिशन के खिलाफ अल्मोड़ा में क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान कलाकारों ने सरकार एवं सूचना निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी कलाकारों को अपना समर्थन दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।